नूडल्स सबका फेवरेट होता है। अगर किसी को चटपटा खाना हो या कुछ क्रेविंग हो रही हो और इंस्टेंटली कुछ अगर दिमाग में आता है तो सबसे पहले वो नूडल ही है। तो मैंने अपने YouTube चैनल फूड जासूस पे इन सारे नूडल्स का, जैसे कि पतंजलि मैगी नूडल्स या फिर यिप्पी चिंग्स वाई वाई या टॉप रेमन, सबका रिव्यू किया हुआ है, इंडिविजुअली किया हुआ है। अगर आपको डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। आज जो मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाली हूँ, इन सारे नूडल्स का मैं एक साथ रिव्यू करने वाली हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि इन सारे नूडल्स में कौन सा नूडल्स ठीक है या कौन सा नूडल खराब है, कौन सा नूडल अच्छा है, कौन सा नूडल आपके बच्चे के लिए ठीक रहेगा, आप रेगुलरली खा सकते हैं या ओकेजनली खाना चाहिए। इन सब चीजों का जवाब आपको मेरे YouTube चैनल फूड जासूस पे मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। नूडल्स की बात करें तो चाहे वो मैगी नूडल्स हो चाहे वो यिप्पी नूडल हो, हर नूडल की अपनी अलग कहानी होती है। लेकिन एक कहानी सब में सेम है कि कोई भी नूडल्स, जो इंस्टेंट नूडल्स स्पेशली जो होते हैं, वो आपके सेहत के लिए हानिकारक ही होते हैं। क्योंकि जनरली ये मैदा से बना हुआ होता है, इसमें घटिया तरह का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, तेल की मात्रा ज्यादा होती है, सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है और हम अदर न्यूट्रिशन की बात करें तो वो जीरो होता है। लेकिन फिर भी इन सब नूडल में घटिया नूडल कौन सा है और थोड़ा बेटर नूडल कौन सा है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मैं जो यहाँ पे कैटेगराइजेशन करने वाली हूँ वो घटिया नूडल से लेकर के नॉर्मल नूडल तक करने वाली हूँ, कि मतलब सबसे जो खराब तरह का नूडल है वो सबसे पहले बताऊंगी और ऐसे ऐसे करके जो सबसे बेस्ट नूडल अभी इस मेरे सामने है उसमें कौन सा है वो सबसे लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो इतने सारे नूडल्स हैं उसमें सबसे जो गंदा मुझे नूडल लगा है वो है वाई वाई। नाम भी वाई वाई जैसा ही है, मीन्स की कुछ खास नहीं है, पैकेजिंग भी कुछ ठीक नहीं है, इतनी खास नहीं है, कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो मैदा मिलाया गया है, मैदा से नूडल्स बनाया गया है, नूडल को डीप फ्राई किया गया है वो भी घटिया तेल में। इतना ही नहीं, अलग से तेल का पाउच भी इसके अंदर डाला गया है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये नूडल तेल के मामले में पाम ऑयल इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो मुझे सबसे इसमें खराब चीज ये लगी, इसमें अजीनोमोटो मिलाया गया है। जी हाँ, इसमें MSG यानी कि फ्लेवर एनहांसर 621 जिसको कहते हैं वो MSG है। और आपको मैगी के कारण के बाद तो पता चल ही गया होगा कि MSG हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है, बच्चों के ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत सारे अदर बीमारियां भी पैदा करता है। और अगर आप इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें फाइबर बस 3 ग्राम है, बिल्कुल भी ना के बराबर ही समझ लीजिए। जिसमें फैट मिलाया गया है वो 21 ग्राम के लगभग है और उसमें 50% फैट यानी अराउंड 10 ग्राम जो है वो सैचुरेटेड फैट है, विच इज वेरी अनहेल्दी। अगर हम इसमें अदर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें सोडियम मिलाया गया है 1400 mg और आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 2000 mg होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा सॉल्ट मिलाया गया है। हार्ट पेशेंट किडनी पेशेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात है प्राइस, ये 10 रुपए का इतना बड़ा पैक मिलता है। तो ऑफ कोर्स अगर किसी को भूख लगी हो तो जरूर वाई वाई के लिए जाएगा ताकि इसमें कम पैसे में ज्यादा मिल रहा है और इतने सारे फ्लेवर एनहांसर्स हैं तो ऑफकोर्स यमी भी है, एडिक्टिव भी है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और हार्मफुल फूड एडिटिव्स और फ्लेवर एनहांसर्स मिलाए गए हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो प्लीज आप मेरे YouTube चैनल फूड जासूस पे जाएं और देखें। इनफैक्ट मैं जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। अपने बच्चों से इस प्रोडक्ट को दूर रखें। वाई वाई के बाद अगर मैं किसी का नाम लूंगी जो वाई वाई से थोड़ा बेटर है लेकिन फिर भी नॉट गुड फॉर योर हेल्थ इज यिप्पी। यिप्पी को मैं घटिया इसलिए भी बोल रही हूँ, सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सनफीस्ट की तरफ से है, बिग ब्रांड। और अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए बात करते हैं तो वही मैदा से बनाया गया है और इसमें जो तेल डाला गया है वो भी घटिया तरह का तेल, पाम ऑयल डाला गया है। ऑयल की मात्रा पूरे एक पैकेट में 24 ग्राम के बराबर है जो बहुत ही ज्यादा है और सैचुरेटेड फैट 12 ग्राम से भी ज्यादा ऊपर। तो अगर आप एक पैकेट ले रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हो जाएगा। प्लस इसमें ये है कि 23 रुपए में आपको 120 ग्राम मिल रहा है, तो ये साइज तो ज्यादा है और जितना बड़ा साइज है उतना ही ज्यादा खतरनाक आपके लिए होगा क्योंकि उतना ही ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस आपके अंदर जा रहे हैं।
इस प्रोडक्ट में एजिनोमोटो तो नहीं मिलाया गया है, लेकिन हाँ उसके भाई बहन जरूर मिलाए गए हैं, जिसे हम फ्लेवर इन्हांसर 627 और 631 कह सकते हैं। इनके भी अलग साइड इफेक्ट्स हैं और इपी का भी मैंने डिटेल में बनाया हुआ है वीडियो, अगर आपको वो भी देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी डाला हुआ है। सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें ये लगी है कि इसमें सोडियम कंटेंट नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें सोडियम कंटेंट नहीं बताया गया है, विच इज वेरी बिग थिंग। क्योंकि अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर किसी को कोई बीमारी है जो सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे है, अगर उनको अगर कोई नूडल चूज करना होगा तो फिर वो यिप्पी को कैसे चूज कर सकते हैं, राइट? तो यिप्पी के लिए मेरी तरफ से नो नो है, तो अपने बच्चों को यिप्पी से भी दूर रखें तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे कौन आता है। तो इसमें थर्ड नंबर पे आ रहा है निस्सन की तरफ से हॉट एंड स्पाइसी कोरियन चिकन। जी हाँ, ये बहुत ही हॉट स्पाइसी है, लेकिन आपके बच्चे के हेल्थ के लिए या आपके लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा स्पाइसेस हैं। ये आपके स्टमक को अपसेट कर सकता है अगर आप ज्यादा स्पाइसेस टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो। साथ ही साथ इसमें भी मैदा इस्तेमाल किया है, घटिया ऑयल इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें अजिनोमोटो इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वही अजिनोमोटो के भाई बहन इस्तेमाल किए गए हैं, जो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके बच्चे के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, जिसका नाम है फ्लेवर इनहांसर 631 एंड 627, सेम लाइक यिप्पी। अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे भी सोडियम कंटेंट नहीं दिया गया है। अगर हम फैट की बात करें तो 16 ग्राम फैट डाला गया है, तो इसलिए मैं इसको यिप्पी से बेटर बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो सैचुरेटेड फैट की मात्रा है या फैट की मात्रा है वो यिप्पी से कम है। प्लस इसका प्राइस भी ज्यादा है, यानी कि 80 ग्राम का ये पैक आता है जो 49 रुपीज का है, जो बहुत एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से बहुत लोग इसे नहीं भी खरीदेंगे। लेकिन फिर भी आपको इस प्रोडक्ट को भी अपने बच्चे से दूर रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो सेम ब्रांड का ही है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है, टॉप रेमन। ये जो टॉप रेमन है, इस वाले निस्सन के प्रोडक्ट से, नूडल के प्रोडक्ट से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट ऑफ ऑयल है वो इससे कम है, और बाकी जो स्पाइसेस इस्तेमाल किए गए हैं ये इस वाले प्रोडक्ट से कम है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है। वरना अगर आप ओवरऑल प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैदा है, घटिया ऑयल है, बहुत सारे फूड एडिटिव्स हैं, फ्लेवर एनहांसर्स हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। और जैसे कि इसमें भी सोडियम की मात्रा नहीं बताई गई है, तो इसमें भी नहीं बताई गई है। आई डोंट नो इंस्टेंट नूडल सोडियम की मात्रा क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मैंडेट होता है किसी भी इंस्टेंट नूडल के लिए। लेकिन हाँ, इसमें ये बात है कि ये 60 ग्राम का पैक है जो 10 रुपए में मिल रहा है, जो इससे कहीं ज्यादा सस्ता है, तो लोग कई बार इसे प्रेफर कर सकते हैं अगर खाने का मन कर रहा है तो। बट मैं तो यही कहूंगी कि इसे भी अपने बच्चों से दूर रखें। इसके बाद जो नंबर आता है मैगी के ओट्स नूडल्स का आता है। जी हाँ, मैगी का ये ओट्स नूडल का नंबर आ रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने मैदे वाले मैगी का नंबर पहले क्यों नहीं बोला, वो आपको इनके कंपैरिजन वीडियो में पता चल जाएगा। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप प्लीज ये वीडियो देखें। ओट्स वाले में जो सबसे बुरी बात मुझे ये लगी है कि इसमें बड़ा बड़ा यहाँ ओट्स तो डाला गया है, बट इसमें बस 40% ही ओट्स इस्तेमाल किया गया है, बाकी जो 60% है वो मैदा इस्तेमाल किया गया है। अगर आप फाइबर कंटेंट भी देखते हैं तो इसमें बस 4 ग्राम फाइबर है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप तेल की मात्रा देखते हैं तो वो भी 17 ग्राम इस्तेमाल किया गया है, उसमें सैचुरेटेड फैट 7 ग्राम से ज्यादा है, सोडियम की मात्रा भी 1200 mg से ज्यादा है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ ऐसी बहुत आउटस्टैंडिंग चीज है जो आप अपने बच्चों को डेली दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ये बहुत सारे फूड एडिटिव्स मिलाए गए हैं ताकि इस नूडल को टेस्टी बनाया जा सके। बट मुझे इसमें एक अच्छी बात ये लगी है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज दिए गए हैं, ताकि आप अपने आप से ही जज कर सकते हैं कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। प्लस ये आयरन फोर्टिफाइड किया गया है, यानी कि इस प्रोडक्ट में ऊपर से आयरन मिलाया गया है, ताकि आपको कुछ तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसको ये कह सकते हैं इस पूरे पिक्चर में। बाकी ओकेजनली अगर आपको खाना है तो ये ओट्स वाला खा सकते हैं, बट ओकेजनली खाएं, डेली ना खाएं। ओट्स वाले नूडल से ज्यादा अच्छा नूडल मैं तो यही कहूंगी कि मैदा वाला नूडल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राइस में ओट्स वाला ज्यादा महंगा है, लेकिन मोर और लेस जो न्यूट्रिशन है दोनों में बराबर ही है, और फाइबर कंटेंट या फैट कंटेंट में भी ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट जो फैट है वो मैगी मैदा वाले में कम है रादर देन ओट्स वाला। दिस इज शॉकिंग। तो बहुत सारे शॉकिंग चीजें और भी हैं मेरे YouTube चैनल फूड जासूस पे इसके बारे में, प्लीज आप जाएं और देखें।
तो इससे ज्यादा बेटर आटा वाला होगा, क्योंकि आटे वाले में एटलीस्ट सबसे पहले तो फाइबर कंटेंट ज्यादा है, 5 ग्राम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 ग्राम से क्या ही डिफरेंस आएगा। लेकिन फिर भी वही है कि सोडियम भी थोड़ा सा कम है ओट्स के कंपैरिजन में, फैट भी कम है और फाइबर भी ज्यादा है, तो कुछ चीजें हैं ऐसी, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ओट्स से ज्यादा बेटर ये दोनों हैं। तो आप ओकेजनली अपने बच्चों को ये नूडल्स दे सकते हैं खाने के लिए, कोई इशू नहीं है। इन दोनों के बाद मैं बात करने वाली हूँ जो इससे अच्छा नूडल है, वो है पतंजलि का ये नूडल। जी हाँ, पतंजलि का नूडल इसलिए मैं अच्छा कह रही हूँ क्योंकि सबसे अच्छी बात है जो इसमें इस्तेमाल की गई है, इसमें मैदा इस्तेमाल नहीं किया गया है। और दूसरी अच्छी बात मुझे ये लगी, जो इसमें ऑयल इस्तेमाल किया गया है वो राइस ब्रांड ऑयल इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी नूडल्स में नहीं है। मतलब अभी तक मैंने जितने भी नूडल्स का रिव्यू किया है, किसी में भी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल नहीं किया गया है, सब में पाम ऑयल इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। बाकी सारी जो फूड एडिटिव्स हैं या फिर फ्लेवर एनहांसर है, इसमें भी मिलाया गया है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें नहीं मिलाया गया है, बट स्टिल इसमें जो फाइबर की मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा है बाकी सारी से, और जो ऑयल की मात्रा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एटलीस्ट अच्छा ऑयल इस्तेमाल किया गया है। इसलिए सैचुरेटेड फैट अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो बस 4 ग्राम आपको सैचुरेटेड फैट मिल रहा है, विच इज नॉट रियली हेल्दी। बहुत 4 ग्राम भी बहुत ज्यादा होता है, बट एज कम्पेयर टू बाकी सारे जहाँ पे आपको 10-10 ग्राम मिल रहा है, उससे तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें बस 4 ग्राम सैचुरेटेड फैट है। और इन सब में जो सबसे अच्छा नूडल मुझे लगा है वो चिंग्स की तरफ से ये वाला नूडल है, हॉट गार्लिक इंस्टेंट नूडल। मैं इसको क्यों अच्छा बोल रही हूँ आप ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट में भी मैदा इस्तेमाल किया गया है, घटिया ऑयल इस्तेमाल किया गया है और नमक है, बाकी सारे जो फूड एडिटिव्स है वो भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है, बस 2.3 ग्राम फैट है एक पैकेट में, जहां आप बाकी सब की बात करें तो किसी में 10 ग्राम है, तो किसी में 15 ग्राम है, किसी में 18 ग्राम है, किसी में 20 ग्राम है, किसी में 24 ग्राम है, पर इसमें बस 2.3 ग्राम फैट मिलाया गया है, जो बहुत ही कम है। साथ ही साथ अगर आप सैचुरेटेड फैट की बात करें तो 1.1 ग्राम है बस सैचुरेटेड फैट, और सोडियम की बात करें तो बस 233 मिलीग्राम इसमें सोडियम की मात्रा है, जो बहुत ही ज्यादा परमिसेबल है। अगर आप इस चिंग्स नूडल को थोड़ा सा वेजिटेबल्स के साथ या थोड़ा सा साइड में सैलेड के साथ खा लें या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ खा लें, तो ऑफ कोर्स ये जो आपका मैदा का जो सिचुएशन है कि इसमें मैदा डाला हुआ है, अनहेल्दी है, पेट में चिपक सकता है, ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी। और बच्चों को भी आप दे सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वेजीज डालना ना भूलें इसमें। जितना आप वेजीज डालेंगे उतना ही ज़्यादा आप बच्चे के न्यूट्रिशन को बैलेंस करेंगे, तो इसलिए मैं इस चिंग्स नूडल को बेस्ट नूडल में डाल रही हूँ। लेकिन ये इतना ज़्यादा भी बेस्ट नहीं है, इसमें भी फूड एडिटिव्स मिलाए गए हैं, इसमें भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। तो किसी भी चीज़ को ओवरडू मत कीजिए, आप कंट्रोल पोर्शन में खाएं। बच्चे को आप चिंग्स नूडल्स सपोज कीजिए कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार दें, उससे ज्यादा ना दें, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये रहे मेरे 9 नूडल्स की कहानी जो मैंने अभी आपको बताया है। अब आपको पता है कि कौन सा वर्स है और कौन सा बेस्ट है। आपको इसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आके क्लिक कीजिए, मेरे वीडियोस को थम्स अप दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सारे नूडल्स की कहानी और सारे जो फूड प्रोडक्ट की कहानी है वो पता चल सके और वो खुद ही चूज कर सके कि उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है और कौन सा वर्स। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो वीडियो है किसी भी फूड कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते प्रोडक्ट के पे जो पीछे लिखे हुए इन्फॉर्मेशन होता है उसी के बेसिस पे आपको बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं है। बाकी ये आपकी चॉइस है अगर आप फिर भी इस प्रोडक्ट को खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे ट्यून्ड ऑन फूड जासूस।